हर हर महादेव। असम से एक अखिलेश चक्रवर्ती हैं, इनका प्रश्न है कि गुरुजी प्रणाम, कुछ चिकित्सक ने किसी ब्राह्मण को मुर्गी और अंडा खाने के लिए कहा है, तो क्या खा सकते हैं? अथवा कुछ ब्राह्मण लोग वैसे ही बिना बीमारी के भी खा रहे हैं, और तो ये इसमें क्या स्थिति है, शास्त्र क्या कहते हैं, देखिएगा। अरे भाई, ये तो महान दोष है, ये तो अपराध है। किसी भी जीव को, स्वतंत्र जीव को आप जो है काट करके खा जा रहे हैं। हर किसी को अपने प्राण प्यारे हैं, किसी का भी वध शास्त्रों में नहीं बतलाया गया है। इस तरीके से अपने खाने के उद्देश्य से जो लोग ऐसा करते हैं उनको जो है नरक में जाना पड़ता है, और वहाँ वो ऐसा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है, नारद जी कहते हैं कि भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वया द्वरे संज्ञापितान जीव संघान निर्घृणेन सहस्रसा एते त्वाम प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशषम तव। अरे तुमने जिनका बड़ी निर्दयता पूर्वक हिंसा कर दी, वे लोग सब, वे सभी जंतु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे सब आपका वध करेंगे। तो जो जिसका वध करता है उसको भी वो जीव काटता है और वैसे ही वैसे खाता है, ये भगवान का निर्देश है। और जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अंडा अलग है और ये मांस अलग है, तो ये भेद करते हैं। कई लोग हमने सुना है कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी है, पता नहीं उनकी बुद्धि में क्या भगवान ने जो है उपजाया है और वे उनको जो है अंडा शाकाहारी लगता है। देखिए, अरे भाई, जो शुक्र शोण तो उसमें भरा हुआ है, कुछ दिन रख करके देख लीजिएगा वो क्या है, वो उसमें जंतु बन जाता है, वो जीव बन जाता है, और वे कहते हैं कि नहीं ये शाकाहारी है, वो मांसाहारी ही है, वो अंड कैसा भी हो वो जो है निषिद्ध ही है। जो लोग मांस मदिरा खाते हैं पीते हैं उन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। देखिए, हन्या जंतून मांस गृध्रु सवई नरक भांग न रहा। जो लोग इनको मार के खाते हैं, अब कोई कहे कब तो जो है बाजार से ले आते हैं, मरे मराए को ले आते हैं, ये ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही उसने वध किया है, तो वो दोनों ही अपराधी है, जो मार करके काट करके बेचता है और जो उसको ला करके खाता है, वो सब नरक में जाते हैं। मांस खाने का महान दोष शास्त्रों में लिखा हुआ है, नहीं मांसम तृणात काष्टा दुपलाद वापि जायते हत्वा जंतुम ततो मांसम तस्मात दोषस्तु भक्षणे। अरे ये जो है मांस, कभी कोई जो है लिख रहे हैं कि नहीं मांस तृणात काष्टात उपलाद वापि जायते। अरे कहीं पत्थरों से, काष्ट से, लकड़ी से मांस थोड़ी पैदा होता है, उसके प्यारे शरीर से प्राप्त होता है। तो जो लोग उसका वध करके और उसको खाते हैं तो वो दोष तो लिप्त होगा ही उनके लिए, कि जैसे कितना हर देह प्राण ते प्रिय कचुनाए, देह से प्राणों से कोई प्रिय है संसार में वस्तु, उसका जो है वियोग करके, उसका हनन करके और लोग मांस खाते हैं तो अपने शरीर की पुष्टि के लिए, तो इनसे बड़ा कौन अपराधी होगा, बताइए। यहाँ नरकों का वर्णन करते हुए व्यास जी ने लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो मांस मदिरा खाते पीते हैं, लोगों उनका पशुओं का हनन करते हैं, वध करते हैं, उनका कुंभी पाक नरक में जा करके तप्त तैल में उनको रौंधा जाता है और उबाला जाता है वर्षों तक। इसलिए इन पशुओं का ना वध करना है और ना ही इनका मांस या अंड ही खाना है। जो लोग ऐसा करते हैं वे महान अपराधी हैं और उस अपराध का फल उनको प्राप्त होगा। चाहे लोग ये कहते रहें कि भाई हम नहीं मानते ईश्वर को, हम नहीं मानते वेदों को, अरे तुम्हारे मानने न मानने से अपराध थोड़ी आपका कम हो जाएगा। कोई लोग कहे कि हम नहीं मानते संविधान को, अच्छा हम नहीं मानते राजा को, हम नहीं मानते इसको, तब भी वो अपराधी है और उसको पकड़ करके जेल में ठूंस दिया जाएगा और वो अपराध का दंड उसको प्राप्त होगा।
हमारा संविधान है, जैसा कहता है तो वैसा उसको वो न माने तब भी उसके ऊपर संविधान तो उसे मानता है अपराध को। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कहे हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते वेदों को, हम नहीं मानते ईश्वर को, लेकिन फिर भी वो अपराधी है और उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। ये तो ये तो और दूना अपराध हो गया कि शास्त्रों को न मानना, ईश्वर को न मानना, उनकी आज्ञा को न मानना और पशुओं का वध करना। जो जीव जो है अभी अंडे में है और वो अभी प्रकट होता उससे पहले ही उसका वध कर दिया। जिस तरीके से गर्भ हत्या का जो पाप लगता है वही अंडे को खाने का पाप लगता है, समझे ना। वो अंडे को भी, अंडे से प्रकट होने वाले पक्षियों को भी दुज कहा गया है, क्योंकि उनका भी दो बार जन्म होता है, एक मातृ गर्भ से और एक बार अंडे को फूट करके वो जन्म होता है, वो द्विज कहलाते हैं। तो वो जिस तरीके से गर्भ हत्या महापाप है, इसी तरीके से अंडे को खाना भी महापाप है, यूं समझ लीजिएगा। तो जो भी श्रद्धालु सज्जन है और मुख्य रूप से ब्राह्मण शरीर होकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज होकर के आप लोग ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, इसका अपराध जन्म जन्मांतर में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान, आप कभी भी ऐसा न करें और शाकाहार ही भोजन करें। ये जो है शास्त्रों से अनुमोदित है, जो मनुष्य के लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से मांस भक्षण का उपयोग नहीं किया गया है, सर्वथा वर्जित है। जो लोग करते हैं या करते थे या जैसा भी आगे करेंगे उनको इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। हर हर महादेव।